Hello students, in the last lectures we have discussed about the structure of alimentary canal or the digestive system. Which they have discussed about different digestive glands which play very essential role in the process of digestion. So we have seen, we have discussed the wall layers present in the alimentary canal. Now I'm going to discuss the process of digestion in detail. So today we will see ki what are the processes which are taking place in different parts of the alimentary canal, right? So today I am going to start with the process of digestion. अब जो digestion process है, basically there are of two types, mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion क्या होता है, जिसमें कि जो हमारी teeth है, हमारा tongue है और हमारे lips हैं, they helps in mastication of the food, they helps in forming the bolus of the food. जो हम food खा रहे होते उसको पहले क्या करेंगे, larger part, मतलब हमने एक बड़ी bite खाई है तो उस बड़ी bite को क्या होगा, it will be broken down into smaller particles. That बड़ी bite, वो बड़ी bite है, it contains what, larger particles. तो पहले उसको क्या होगा, smaller particles में break करना पड़ता है. ब्रेक करने के लिए उसको क्या करेंगे, वी नीड टू मैस्टिकेट द फूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ. चार तरीके की टीथ होते हैं, हमें पता ही होता है. और उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवा होता है उस फूड को क्या होगा, वो फूड माउथ से हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करेगा, है ना, फॉर द डाइजेशन. तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है. इसके लिए क्या होता है, फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है फूड के साथ, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना. और साथ में क्या होता है, फूड के साथ कई बार हमारे माउथ में जो है माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो उन माइक्रोब्स को किल भी करना होता है. तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ करने होते हैं, राइट. तो क्या होगा, जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा. फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होगा. तो हम ये दोनों प्रोसेस देखते हैं. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, it mainly involves two type of the digestion, mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion jo hai, it generally occurs, it takes place in buccal cavity. बक्कल कैविटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है. एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, ठीक है. तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, अब जो है डाइजेशन, जैसे मैंने शुरू से टॉपिक के शुरुआत से ही मैं बता रही हूं कि डाइजेशन जो है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. तो पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इट अकर्स इन माउथ. तो पहले हम देखेंगे कि माउथ में क्या होगा, by the mastication of the food by the teeth and saliva, by mixing the saliva with the help of tongue, the food is converted into the form of the bolus. theek hai, to mouth mein kya hoga ki mastication of food, and this mastication of food it occurs. अभी हम क्या कर रहे हैं, माउथ में वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिकल डाइजेशन. माउथ में जो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है वो क्या होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस, साथ में सलाइवा विल बी मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ टंग. तो ये क्या हो रहा है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा मिक्सिंग जो है, mixing of saliva is taking place with the help of tongue, ठीक है. तो the food is converted in the form of bolus. अब food किस form में हो गया, bolus के form में convert हो गया, ठीक है.
अब मैंने बताया है किसका क्या रोल है, सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होते हैं, जो मैंने बताया कि फूड के साथ जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं तो उनको किल कौन करता है, लाइसोजाइम्स होता है। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, दे आर एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स, तो दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कम्स अलॉन्ग विद द फूड इन आर माउथ। अब ये तो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन माउथ में क्या होगा, माउथ में जो केमिकल डाइजेशन होगा उसमें क्या होता है, जो भी फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं माउथ में सिर्फ ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन विल टेक प्लेस। तो इन माउथ ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स, ठीक है। जितना भी हम फूड खा रहे हैं उसमें जो 30% डाइजेशन होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका डाइजेशन जो है फूड माउथ में हो जाएगा, तो अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज सलाइवरी एमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो जो स्टार्च जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, दिस स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, एंड इट विल प्रोड्यूस माल्टोज। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड शुगर, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, इट इज अ शुगर विच इज डाइसेकेराइड। तो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो माल्टोज बन रहा है ये अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है ना, अभी क्या है ये डाइसेकेराइड के फॉर्म में है, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, विच इज द अब्सॉर्बेबल फॉर्म। तो अब ये फर्दर डाइजेशन जो होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में होगा, राइट। ये जो टाइलिन है, दिस टाइलिन इज बेसिकली इट डाइजेस्ट द कुक्ड स्टार्च। टाइलिन डोंट हैव द एबिलिटी, टाइलिन डजंट हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द रॉ स्टार्च या टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। टाइलिन कैन डाइजेस्ट ओनली द कुक्ड स्टार्च। प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइलिन। टाइलिन कैन डाइजेस्ट ओनली कुक्ड स्टार्च एंड इट कांट डाइजेस्ट रॉ स्टार्च लाइक सेलुलोज, ठीक है। टाइलिन जो है रॉ स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि जो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है इट इनिशिएट इन द बक्कल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। तो ये तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, लेकिन मेन डाइजेशन तो केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट डाइजेशन इनिशिएट्स, डाइजेशन इनिशिएट्स इन बक्कल कैविटी, बीसी स्टैंड फॉर बक्कल कैविटी, बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स। और वो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स क्या है, डेट इज टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। सो अब क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, हमने जो खाना खाया था उसका डाइजेशन अब स्टार्ट हो गया।
तो पहले माउथ में क्या हुआ, मैस्टिकेशन हुआ, टीथ के थ्रू हमने उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, फिर सलाइवा जो सिक्रीट हुआ था वो उन फूड पार्टिकल से मिक्स हुआ, उस मिक्सिंग में किसने हेल्प करी, टीथ ने हेल्प करी. नाउ विद द हेल्प ऑफ द टीथ, टंग एंड लिप ऑल टुगेदर द फूड विल बी पुश्ड डाउन इन द अंदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट इज फेरिंग्स. तो अब माउथ की बात क्या होगा, दिस बोलस जो है इट विल बी कन्वेड टू फेरिंग्स, बोलस विल बी कन्वेड टू फेरिंग्स. और फेरिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, राइट. अब फेरिंग्स से फूड विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए भी मैंने बताया कि क्या मैकेनिज्म, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज करता है हमारा बॉडी, कि जो विंड पाइप का जो माउथ होता है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, इट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एपिग्लॉटिस. तो जैसे ही फूड हमारे विंड फूड बोलस जो है फूड पाइप में जाना होगा, विंड पाइप विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस. अब फेरिंग से जो फूड है इट इज पुश्ड डाउन फर्दर इन टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज नोन एज विंड पाइप, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फूड फ्रॉम द माउथ इन साइड द ईसोफेगस एंड फर्दर इन द अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज बेसिकली फ्रॉम द माउथ इन टू द ईसोफेगस. This process of conveying food from the mouth into the esophagus is known as deglutition or the swallowing. Nigalna, aapke tane khana nigal liya. That is the deglutition. This process is known as deglutition or swallowing, right? खाना हमने निकल लिया. तो अभी हमने क्या देखा कि डाइजेशन कहाँ इनिशिएट हो रहा है, माउथ में इनिशिएट हो रहा है, बक्कल कैविटी में इनिशिएट हो रहा है, माउथ में इनिशिएट हो रहा है. माउथ इज द पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी. अब ईसोफेगस में बच्चों कोई डाइजेशन नहीं होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. सो इन ईसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन विल टेक प्लेस, देयर विल नो डाइजेशन अकर इन ईसोफेगस. लेकिन क्या होगा, फूड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस डिग्लुटेशन, एंड ये डिग्लुटेशन में हेल्प कौन सा करता है, क्या करता है हेल्प, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेलिसिस, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट वॉल ऑफ द एलिमेंटिक कनाल. मान लो ये वॉल नॉर्मल कंडीशन में ऐसी होनी चाहिए पर ऐसा होता नहीं है, क्या होता है इसकी वॉल में, दिस इज द कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन. इस तरीके से आप देखोगे वॉल में कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होता रहता है. एंड विद दिस द फूड पासिस डाउन, यहां अगर फूड है तो इट विल पासिस डाउन फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम द ईसोफेगस टू द स्टमक. सो डिग्लुटेशन और स्वेलिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ process peristalsis. ये दरवाजा बंद कर दो. With the help of the process peristalsis, right? अब जो है, now the food from the esophagus, the food will enter into the फूड यहां से ईसोफेगस से इट विल एंटर इनटू द स्टमक. राइट. और दिस एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्टमक इज गाइडेड बाय अ स्फिंक्टर. मैंने कल भी बताया था, आप लास्ट लेक्चर में भी बताया है, गाइडेड बाय अ स्फिंक्टर दैट इज गैस्ट्रो ईसोफिगल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो ईसो Esophageal sphincter, ठीक है.
अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है, चल कल हमने चार लेयर देखे थे ना, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, तो जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट वन, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इन द म्यूकोसा वॉल ऑफ स्टमक, इन द म्यूकोसा लेयर, स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, दिस म्यूकोसा लेयर इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब जब फूड स्टमक में पहुंच रहा है तो देर आर, एक चीज और ध्यान देना है कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है they are regulated by our hormonal system, by our endocrine system, by our neural system, ठीक है, some nerves, some hormones, they regulate the process of digestion. तो यहां पे क्या होगा, there are certain G cells present in the stomach, they will release the gastric hormone, और ये gastric hormone जो होते हैं they will initiate the gastric cells to secrete the gastric juices, clear? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ द सेल, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, राइट नाउ टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू दीज थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फर्स्ट इज म्यूकस और नेक सेल, ठीक है, म्यूकस और नेक सेल्स दे सिक्रीट म्यूकस। सेकेंड इज पेप्टिक, और चीफ सेल्स दे सिक्रीट एंजाइम पेप्सिन, लेकिन ये पेप्सिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, दिस पेप्सिन रिमेन्स इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिनोजन। ये एक्टिव होता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ द एचसीएल प्रोड्यूस्ड बाय द पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स दे सिक्रीट एचसीएल एंड सम इंट्रिंजिक फैक्टर्स, ये इंट्रिंजिक फैक्टर्स दे हेल्प इन अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, और ये जो एच सी एल है, दिस एच सी एल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिनोजन, और ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है, दिस इनएक्टिव पेप्सिनोजन इट विल बी एक्टिवेटेड बाय दिस पेप्सिन एच सी एल एंड इट विल कन्वर्ट इन टू द एक्टिव पेप्सिन, ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या होता है, कभी कभी इन इन्फेंट्स, नॉट कभी कभी, ऑलवेज इन इन्फेंट्स, देयर इज एन अदर एंजाइम प्रोड्यूस, दैट इज द प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, और किसमें प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में, ठीक है। तो प्रोरेनिन जो है इट इज इनएक्टिव फॉर्म, it can be, it is converted into the active renin form, active form, that is the renin, with the help of HCl. infants में क्यों होता है, infants को हम क्या करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं they generally used to drink milk only, they do not eat food, है ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो, अब milk is liquid, तो basically क्या होता है कि by the action of, अब जो मिल्क में जो प्रोटीन होती है ना, केजीन, दैट इज द सोल्युबल प्रोटीन, अगर वो केजीन के फॉर्म में रहेगा, केजिनोजीन जो होता है
वो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो इजीली डाइजेस्ट होकर के सॉल्युबल प्रोटीन है, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर के बॉडी से पेट से निकल जाता है बच्चे को, तो बच्चे बहुत जल्दी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अपने आप एक नेचुरल मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, ये जो रेनिन है रेनिन विल कन्वर्ट द सॉल्युबल कैसिनोजिन इनटू द इनसॉल्युबल, ठीक है, सो इन स्टमक पेप्सिन जो है, मैंने बताया कि पेप्सिन विल कन्वर्ट HCl विल कन्वर्ट इन एक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, ऐसे ही जो HCl है इट विल कन्वर्ट इन एक्टिव प्रोरेनिन इनटू रेनिन इन केस ऑफ इन्फेंट्स। एक्चुअली इन्फेंट्स में क्या होता है, इन इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं ये जनरली मिल्क ड्रिंक मिल्क, ठीक है, तो इनमें इनके स्टमक में जो है एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोरेनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दिस प्रोरेनिन इट बिकम्स एक्टिव बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज रेनिन। जब सूटेबल उसको पीएच मिलेगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रेनिन क्या करता है, ये जो मिल्क प्रोटीन होती है ना केजीन, तो मिल्क प्रोटीन केजीन जो होता है ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है, ठीक है, इस सॉल्युबल प्रोटीन को रेनिन जो है ये कन्वर्ट करता है इन सॉल्युबल फॉर्म में, डेट इज कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में इस ये जो है दिस इज द इनसॉल्युबल फॉर्म। तो अब क्या होता है कि जब इससे क्या होगा, जो मिल्क है जब कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कर्ड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, लम्स बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म से ये कर्ड के फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दिस कन्वर्जन ऑफ केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क इंटू कैल्शियम पैरा कैसिनेट इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, इट इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो क्या होगा, अब जो है बच्चों की स्टमक में जो मिल्क है वो ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा कर्डिंग फॉर्म में, कर्डलिंग नहीं होगी तो पेट से बहुत जल्दी निकल जाता है ना, तो बच्चे बार बार उनको भूख लगेगी और बच्चा परेशान करेगा। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो बच्चों की बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीनिन इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स ओनली। अब मैंने बताया कि जैसे HCl है यहाँ पे जो इसको सुटेबल पीएच होता है, तो HCl यहाँ पे बड़ा ही हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है एंड इसका पीएच होता है 1.8, वेयर इज जब माउथ में डाइजेशन हो रहा होता है उस समय वहां पे माउथ में जो पीएच होता है, माउथ में पीएच होगा फूड दैट इज माउथ में जो पीएच है दैट इज 6.8, तो मतलब स्लाइटली इट इज एल्कलाइन इन माउथ, वेरी स्लाइटली एसिडिक इट इज, ठीक है। अब जो है स्टमक में क्या हुआ, जो इसोफेगस के नीचे और इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है वो ओपन होगा और फूड इसोफेगस स्टमक में आ गया। अब हमने बताया था कि स्टमक में जो है सिर्फ, मैंने पहले भी बताया है, ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टमक एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इन स्टमक ओनली प्रोटीन डाइजेशन अकर, ठीक है, खाली प्रोटीन डाइजेशन होगा। कैसे होगा, जैसे बताया इन केस ऑफ इन्फेंट्स तो आपने देख लिया इनएक्टिव प्रोरेनिन जो है कन्वर्ट हो गई एक्टिव रेनिन में, इन केस ऑफ एडल्ट्स जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है इट विल गेट सुटेबल पीएच इन द एसिडिक मीडियम
with the help of HCl, it will convert into the active pepsin. ठीक है, ये जो है एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये जो एक्टिव पेप्सिन है ये इट इज द एंडोपेप्टिडेज़. पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन आर एंडोपेप्टिडेज़, और जो हमारा स्टमक होता है उसमें सिर्फ एंडोपेप्टिडेज़ ही होते हैं. एंडोपेप्टिडेज़ क्या करते हैं? दे ब्रेक द लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. तो इसीलिए स्टमक में सिर्फ क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक में ओनली एंडोपेप्टिडेज़ आर प्रेजेंट and endopeptidase has the ability to break down the larger molecule of proteins into the smaller molecule of protein. That's why stomach mein kya hoga? Only protein digestion occur. Kyun? Kyunki kyun only? Kyunki yahan pe only endopeptidases are present. अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है. तो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो है पेप्सिन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स. ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को करेगा पेप्टोन्स में और प्रोटीओसेस में. पेप्टोन्स आर पेप्टाइड्स. ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैंने तो बताया था कि गैस्ट्रिक सेल्स जो है तीन तरह की चीजें सिक्रीट कर रहे हैं, तो म्यूकस का क्या रोल है? ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है, पहले तो हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस आपको समझ में आ गया. इट इज मेड अप ऑफ three substances, that is mucus, HCl and pepsin. ठीक है, तो दो का रोल तो हमने देख लिया. म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस जो होता है, म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट, इट विल लुब्रिकेट द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक and it protects it from the excoriation by highly concentrated HCl. So mucus jo hai along with bicarbonates ye kya karega? It will lubricate the muscular mucosal epithelium of stomach, mucosal epithelium of stomach, or you can say कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, it will lubricate the lining of the stomach. ठीक है, और you can say और क्या कह सकते हो, lubricate the lining of stomach. From किस एंड इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, लुब्रिकेट म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ स्टमक और लुब्रिकेट द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सकोरिएशन and protect it from excoriation by highly concentrated hydrochloric acid. यहाँ पे जो pH होता है, जिस pH जिस HCl ने इस पे action किया है, इस समय इसका pH होता है 1.8, तो highly concentrated. ठीक है, तो acidic medium में जो है protein का डाइजेशन हो रहा है. अब क्या होगा, फूड जो है स्टमक से जो है फूड विल रीच इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो नाउ
फ्रॉम द स्टमक फूड विल एंटर इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में दिस मूवमेंट ऑफ द फूड इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर ये ओपन होगा. अच्छा, एक साथ स्टमक से जो है ना, जो हमारा स्टमक है उससे एक साथ सारा फूड जो है इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अमाउंट में जो है फूड गैस हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा. पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, ओपन होगा और थोड़ा सा फूड, अब जो है हम इसको फूड, इस फूड को जो स्टमक में जब फूड पहुंच गया तो पहले तो माउथ में फूड था, फिर माउथ में फूड कन्वर्ट हुआ बोलस में. अब जब स्टमक में फूड पहुंच जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काइम में. तो बेसिकली काइम होता है जो कि स्टमक से कहां जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. काइम कैसे फॉर्म होता है, काइम कैसे, जो बोलस होता है ना, बोलस से जब गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे और उसके बाद स्टमक के अंदर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. मैंने बताया है कि इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट हो रहा है मस्कुलर वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का. तो क्या होगा, इस प्रोसेस के चलते, पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टालिसिस के चलते देयर विल बी द चर्निंग ऑफ द फूड, चर्निंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स होगा. और अब क्या हो रहा है, बोलस विल बी मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है. तो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूसेस एंड बाय द चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड अकर्स ड्यू टू द पेरिस्टालिसिस एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द काइम. तो स्टमक में फूड किस फॉर्म में है, काइम फॉर्म में, ठीक है, काइम फॉर्म में फूड इज प्रेजेंट इन स्टमक. तो अब ये जो काइम है, ये काइम स्टमक से जो है स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहेगा बाय द ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर. अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. Now the digestion in small intestine. अब food जो है काइम के form में stomach से small intestine में पहुंचा. अब यहां पर दो hormones होते हैं, enterokinin and duocrinin. ये दोनों hormone they will stimulate the secretion of succus entericus. तो यहां here the two hormones, enterokinin, काइनिन एंड ड्यूक्राइनिन, दे विल स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल जूस. क्या बोलेंगे इसको, इंटेस्टाइनल जूस. तो ये सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट कैसे होता है, एक्चुअली जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम सेल होती है ना, हमने जो लेयर देखी थी तो म्यूकोसल लेयर देखा था. तो जो इंटेस्टाइन में म्यूकोसल एपिथीलियल लेयर होती है, जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लेयर होती है उनमें जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है. तो सक्कस इंटेरिकस कैसे प्रोड्यूस होगा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल गॉबलेट सेल्स दे प्रोड्यूस सक्कस इंटेरिकस. गॉबलेट सेल्स बेसिकली दे प्रोड्यूस म्यूकस, ठीक है. गॉबलेट सेल्स से म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे. उसके अलावा गॉबलेट सेल्स मैंने बताया जैसे कि कहां प्रेजेंट होते हैं, तो गॉबलेट सेल्स दे प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम. जो गॉबलेट सेल्स है वो कहां प्रेजेंट होते, दे प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम. तो एक तो ये सिक्रेशन हुआ म्यूकस. दूसरा क्या होता है कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के,
ठीक है, जो ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो जो है दे विल सिक्रीट सम सिक्रेशन. तो द सिक्रेशन ऑफ ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ एपिथीलियम, एंड दैट इज ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज विलाई. तो ये सिक्रीशन, मतलब एक तो सिक्रीशन हो गया ये म्यूकस, और दूसरा ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स के जो सिक्रीशन है, दे विल टूगेदर प्रोड्यूस सक्कस इंटेरिकस, है ना. तो सक्कस इंटेरिकस कैसे, या इंटेस्टाइनल जूस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथीलियम में, उनसे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, और म्यूकस विल कंबाइंड विद द सिक्रीशन ऑफ द ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स, एंड दीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सक्कस इंटेरिकस और द इंटेस्टाइनल जूस. तो सक्कस इंटेरिकस में ज्यादातर तो वॉटर होता है, एंड इट कंटेन्स फ्यू एंजाइम्स. सो लेट्स सी फ्यू एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन सक्कस इंटेरिकस. डाइसेक्राइडेज प्रेजेंट होगा, लाइपेजेस प्रेजेंट होगा, डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होगा. तो लेट्स राइट द नेम ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सक्कस इंटेरिकस. एक तो डाइसेक्राइडेज प्रेजेंट होता है, डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस. न्यूक्लियोसाइडेजेस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलोंग विथ वाटर. अराउंड 99% जो है इसमें वाटर होता है, एंड दे आर अप्रोक्सीमेट 1%, ठीक है. तो इस तरीके से सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम ये प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डाइजेशन देखते हैं कि क्या होता है, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बाइल आया. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बाइल आ रहा है कहां से, थ्रू द हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट. उसके अलावा दूसरा क्या हो रहा है, सक्कस इंटेरिकस और द इंटेस्टाइनल जूसेस आर सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और पेंक्रियास से जो है पेंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं इंटेस्टाइन में. तो तीसरा क्या हो रहा है, पेंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो ये तीनों जो है, अब इंटेस्टाइनल की जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन के जो मस्कुलरिस लेयर होती है ना, उसमें मूवमेंट हो रहा है, हमने पढ़ा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है. तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन में, इट विल हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ काइम विद दिस जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्पेशली इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ड्यूडेनम में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में दीज जूसेस दे विल बी मिक्स्ड विद द काइम, ठीक है. दिस फंक्शन, दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम, काइम के साथ मिक्स हो जाएगा. अब इनमें अब हम देखेंगे कि पेंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, सक्कस एंटेरिकस का रोल क्या है, और बाइल का रोल क्या है. तो पहले क्या होगा, पेंक्रियाटिक जूस जो है इट विल ब्रेक डाउन द काइम, द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. उसके पहले अब हमने एक चीज और देखी है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजेन. तो ये एंजाइम जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा. इसको जो है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है एक्टिव
ट्रिप्सिन में, ठीक है, एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा. एंटेरोकाइनेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंटेरोकाइनेज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दे आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल माइकोसा. एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल माइकोसा. ठीक है, तो ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा. अब ट्रिप्सिन जो है ये जो है इट विल एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस. ट्रिप्सिन जो है इट विल एक्टिवेट अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस. ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस. तो अब हम देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा. पैंक्रियाटिक जूस जो है, लेट्स सी द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. ठीक है, अब पहला हम देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन क्या होता है. ठीक है, ये तो पहले हमने देख लिया कि पहले तो दो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, एंटेरोकाइनिन और ड्यूओकाइनिन. पहले फूड को ड्यूओडेनम में आया. ठीक है, ड्यूओडेनम में आने के बाद दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एंटेरोकाइनिन और ड्यूओकाइनिन, जिन्होंने स्टिमुलेट किया सिक्रेशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस का. तो सक्कस एंटेरिकस कहां से प्रोड्यूस होता है? जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम होता है उसमें गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, और जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं वो कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे. दोनों सिक्रेशन मिलकर बनाते हैं सक्कस एंटेरिकस. तो इस तरीके से अब इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में बाइल पहुंच गया, सक्कस एंटेरिकस भी पहुंच गया और पैंक्रियाटिक जूस भी पहुंच गई. ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या हो रहा है? मतलब खूब मूवमेंट हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम बोले पेरिस्टाइलिसिस हो रही है. तो उससे क्या होता है, काइम में ये तीनों जूसेस अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं. ठीक है ना, अब हम तीनों जूसेस अच्छे से मिक्स होंगे और क्या होगा, फर्दर डाइजेशन होगा. तो तीनों जूसेस जो है अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे, दे विल परफॉर्म देयर रोल इन द डाइजेशन ऑफ द काइम. तो पहले अब हम एक एक करके देखेंगे. पहले पैंक्रियाटिक जूस को देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, बाइल का क्या रोल है और सक्कस एंटेरिकस का. तो एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस जो है प्रोटीन्स को प्लस पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओसेस, इनको जो है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रिप्सिन इट विल कन्वर्ट्स इनटू द इट विल ट्रिप्सिन की हेल्प से ये कन्वर्ट करेगा किसमें, डाई पेप्टाइड्स में. इट विल कन्वर्ट देम इनटू द डाई पेप्टाइड्स. नाउ ये तो पहला हो गया. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होगा? अब जो कुछ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हुआ था 30%, अब बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे विल बी ब्रोकन डाउन बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम. विच एंजाइम? पैंक्रियाटिक अमाइलेज. ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनको जो है ब्रेक डाउन करेगा इनटू डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन करेगा. ऐसे ही अब फैट का होगा, अब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट्स आर प्रेजेंट देयर, सो दे विल बी ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेजेस. अब ये फैट का जो डाइजेशन है ना, मेनली पहले क्या होगा, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द वेरी स्मॉल फैट मिसल्स बाय बाइल. ठीक है, बाइल के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो वो भी हम देखेंगे. तो फैट जो है लाइपेजेस के थ्रू
डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद इट विल ब्रेक डाउन इनटू मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट यहां पे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल अकर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। तो क्या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट है दे विल बी ब्रोकन डाउन टू वेरी स्मॉल फैट मिसल्स, वेरी स्मॉल फैट मिसल्स। नाउ दीज फैट मिसल्स, दीज वेरी स्मॉल फैट मिसल्स, दे विल बी ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेसेस इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स इनटू द मोनोग्लिसराइड्स। अब क्या होगा, ये जो है अभी भी जो है ये एकदम अब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं, एकदम सिंपलर फॉर्म में नहीं आए हैं अपने, ठीक है, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं जिससे कि इस इंटेस्टाइन इसको अब्सॉर्ब करे। फर्दर दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, बाय दीज एंजाइम्स, राइट।